आजकल लग्जरी सेगमेंट में SUVs का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मर्सिडीज बेंज के रेंज में बेस्ट सेलिंग SUV है ये GLC और पिछले साल मर्सिडीज बेंज ने नई GLC लॉन्च की थी। काफ़ी सारे चेंजेस है तो इस वीडियो में लेट अस टॉक अबाउट द डीजल वर्जन एंड हाउ इट इज टू ड्राइव। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। यहाँ पे दिस इज द न्यू जनरेशन GLC। गाड़ी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लंबी है। सामने का जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली न्यू है। नया ग्रिल मिलता है, कनेक्टेड हेडलैम्प्स, स्लिमर, न्यू स्किड प्लेट। तो फ्रंट एंड लुक इज कम्प्लीटली न्यू एंड मेरे ख्याल से इसमें गाड़ी को एक एलिगेंट टच मिलता है। एक और बड़ा चेंज है, यू गेट दिस लवली न्यू 19-inch अलॉय व्हील्स। साइड से गाड़ी सेम है एज द अर्लियर GLC, रियर इज डिफरेंट। यहाँ पे नया टेल लैम्प से आपको मिलता है। तो ओवरऑल कार में ज़्यादा एलिगेंस से टिपिकल मर्सिडीज बेंज का जो एक लग्जरी का एक लुक है वो आपको इसमें मिलता है, बट विद हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस। साइज वाइज GLC इज परफेक्टली साइज, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर के बारे में। यहाँ पे इंटीरियर इज कम्प्लीटली न्यू व्हेन कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन GLC। इंटीरियर इज ऑनली क्योंकि सारा अटेंशन आपको जाता है जो नया टच स्क्रीन है। दिस इज द न्यू पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन जो सारे मर्सिडीज बेंज के कार्स में आजकल आपको मिलता है। अब सेंटर कंसोल में क्योंकि टच स्क्रीन में सारे कंट्रोल्स है, आपको यहाँ पे फ्री अप होता है स्टोरेज स्पेस, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है चीज़ें रखने के लिए, प्लस वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। मुझे डिज़ाइन काफ़ी क्लासी लगता है। आई लव दिस पैटर्न, दिस एयरवेंट, एवरीथिंग इज हाई क्वालिटी। ऑब्वियसली आप 74 लाख रुपीज़ दे रहे हो, यू एक्सपेक्ट दैट हाई क्वालिटी, वो आपको इसमें मिलता है। एवरीथिंग फील्स नाइस टू टच, द कंट्रोल्स, द मटीरियल्स, द हाई क्वालिटी, इट फील्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, टिपिकल मर्सिडीज बेंज, वेरी क्लासी, दैट इज वॉट आई लाइक। अगर मैं टच स्क्रीन के बारे में बात करूँगा, सब कुछ कंट्रोल्स अब टच स्क्रीन में है, बट इट इज़ ऑल्सो नाइस कि ड्राइवर की तरफ थोड़ी एंगल्ड है। द टच स्क्रीन इज़ ह्यूज, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू यूज ऑन द गो। एंड ऑब्वियसली आप वॉइस कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं ड्राइवर प्रोफाइल्स, प्लस आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो यू कैन स्टोर ड्राइवर प्रोफाइल्स, गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दिस हैज़ द लेटेस्ट MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। यू गेट डुअल पावर्ड सीट्स, मेमोरी यहाँ पे मिलता है, हीटेड फंक्शन मिलता है, मसाज सीट्स आपको नहीं मिलता, विच आई थॉट आई यू नो होना चाहिए था, क्योंकि पुराने वाला GLC में था मसाज नहीं है, बट यू गेट सीट काइनेटिक्स विच इज़ अ बिट लाइक मसाज ओनली, एंड यू गेट हीटेड सीट्स, कूल सीट्स नहीं मिलता, बट यू गेट दिस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, और सारे कंट्रोल्स आपको बेसिकली डिजिटल वे में है। तो लुक एट दिस, वेरी नाइस वे टू ओपन द सनरूफ एंड वेरी डिफरेंट वैन कम्पेयर टू अदर कार्स। इंटीरियर डिज़ाइन इज वेरी नाइस, आपको एक अच्छा बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम मिलता है, कनेक्टेड कार टेक मिलता है, ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कस्टमाइज कर सकते हैं, नेविगेशन इनबिल्ट है, द स्क्रीन लेआउट इट्स वेरी इजी टू यूज़, वेरी नाइस, और जो क्वालिटी डिस्प्ले का है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक और यूनिक फीचर है नए वाले GLC में, अब आपको एक ऑफ रोड फंक्शन भी मिलता है। सो बेसिकली आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो या आप कोई ख़राब रस्तों में हो, आप लो स्पीड में यू कैन चेक आउट द व्यू अंडरनीथ, विच इज़ वेरी यूजफुल, इट्स वेरी नाइस, ये एक नया फीचर है। तो यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड यस, इट्स गॉट द लग्जरी एलिमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में, ऑल इम्पॉर्टेंट रियर सीट। काफ़ी ओनर्स शॉफर ड्रिवन भी, इसका मतलब है कि दे सिट एट द बैक, और स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GLC में न्यू जनरेशन में व्हील बेस थोड़ा लंबा किया गया, इसका मतलब कि स्पेस इज स्लाइटली बेटर। मेरे ख्याल से आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबली, अच्छा व्यू आउट आपको मिलता है, विंडो एरिया इज क्वाइट नाइस, आपको एक सनब्लाइंड भी मिलता है, सीट्स आर पोजिशन क्वाइट वेल। अगर मैं सीट बेस के बारे में बात करूँ, थोड़ा छोटा है, इसका मतलब कि थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे मिल सकता था, दैट वुड हैव बीन गुड। लेग रूम इज क्वाइट नाइस, हेड रूम इज़ वेरी गुड, विड्थ वाइज ऑल्सो वेरी डिसेंट, यहाँ पर आपको सेंट्रल टर्न बड़ा मिलता है, सो इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ कम्फर्टेबल 4-सीटर। आई वुड हैव वॉन्ट सम मोर फीचर्स ताकि आप इलेक्ट्रिकली इस सीट को मूव कर सको, बट दैट असाइड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। प्लस आपको एक प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज लॉट ऑफ एयरीनेस इन द कैबिन। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे यू गेट अ प्रीटी बिग बूट स्पेस। इंपॉर्टेंटली स्पेस सेवर टायर इज टक्ड अंडरनीथ, इसका मतलब कि काफी प्रैक्टिकल भी है। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। पहली बात, जब आप बैठते हैं ड्राइविंग पोजीशन इज क्वाइट नाइस, यू गेट अ गुड व्यू आउट,
कुछ चीज़ें बताओ ड्यूरिंग ड्राइविंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स मिलता है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड है, तो ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, अगर आपको म्यूजिक चेंज करना है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू यूज़ ऑन द गो एंड इट्स बिट कन्फ्यूजिंग। आपको कुछ दिन चाहिए टू गेट यूज टू दीज न्यू टच कंट्रोल। सिमिलरली फॉर द सीट एज वेल। ऑन द होल हाउएवर ये मैं डीजल इंजन चला रहा हूँ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जब मैं बैठा था पहले मुझे लग रहा था मर्सिडीज बेंज ने गलती से मुझे पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वर्जन भेज दिया क्योंकि देर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज एट ऑल। ये 2 लीटर का डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर एंड इट इज़ नॉइजलेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड डीजल। इंपॉर्टेंटली आजकल डीजल कम हो रहे ऑफरिंग्स बट मर्सिडीज बेंज इज स्टिल गोइंग हेड विद डीजल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए एंड दीज डीजल्स आर क्लीन, हैव अ लॉट ऑफ पावर, प्लस इंपॉर्टेंटली दे गेट यू वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी। मुझे लगभग 12 किलोमीटर मिल रही है विच यू विल नॉट गेट इन द पेट्रोल एट ऑल। अगर मैं बात करूँ इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पे यू गेट लॉट मोर पावर दैन द अर्लियर वन क्योंकि यहाँ पे आपको माइल्ड हैबिट सिस्टम मिलता है विच एड्स इन अ बिट मोर पावर एंड टॉर्क, 200 Nm टॉर्क एक्स्ट्रा मिलता है अलॉन्ग विद बिट मोर BHP। ऑन द होल आपको अगर आप डीजल के बारे में बात करो, यू गेट 440 Nm टॉर्क एंड 194 HP फ्रॉम द डीजल इंजन, मगर माइल्ड हैबिट में आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, तो उसके वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज मच मोर स्मूदर दैन द अर्लियर GLC। काफ़ी ईजी टू ड्राइव है, लो स्पीड में 9-speed ऑटो है, इट्स वेरी स्मूथ सीमलेस एंड इट्स मच मोर रिफाइंड दैन द अर्लियर GLC। हाँ, जब आप एक्सेलेटर देंगे तब आपको पता चलता हाँ डीजल है, देर इज अ बिट ऑफ नॉइज बट अदर देन दैट एट लो स्पीड एब्सोल्युटली नो नॉइज, दैट इज द बेस्ट पार्ट। स्टीयरिंग काफ़ी हल्का है बट इट इज़ नॉट वेरी लाइट, इट इज़ परफेक्ट, तो चलाने में इट्स क्वाइट ईजी। गाड़ी इतनी बड़ी है नहीं, ट्रैफिक में चलाना इट्स क्वाइट ईजी एज वेल। एक चीज़ मैं बताऊंगा, द 19-inch व्हील्स, इसके वजह से राइड थोड़ा फर्म होता है। एवरीडे यूज जब आप स्मूथ रोड्स में जाते हो इट्स वेरी नाइस, टिपिकल मर्सिडीज बेंज लग्जरी कम्फर्ट जो आपको मिलता है, बट जब आप स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जाते हो, खड्डों के ऊपर जाते हो, सम ऑफ इट्स क्वाइट फर्म तो महसूस होता है, इट्स सम ऑफ द इम्परफेक्शंस डज फिल्टर इन। एक चीज़ मैं कहूँगा कि ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ये गाड़ी में बेटर है ग्राउंड क्लियरेंस कम्पेयर टू अर्लियर GLC। इसका मतलब है कि आप इसे खराब रास्तों के ऊपर लेके जा सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। तो ओवरऑल इट्स क्वाइट अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड बेसिकली ड्यू टू दैट वेरी साइलेंट डीजल इंजन। अगर मैं प्राइसेस के बारे में बात करूँगा, डीजल GLC की प्राइसेस 74.5 लाख रुपीज, तो ये पेट्रोल से थोड़ी महंगी है बट अगर आप एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, अगर आप लॉन्ग रोड ट्रिप्स में जाते हैं, डीजल इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लग्जरी SUVs। तो डीजल अभी भी पॉपुलर है एंड द GLC शोज वाई। इसका जो डीजल इंजन है इट्स वेरी स्मूथ, वेरी क्वाइट, यू गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल। तो यस, ओवरऑल GLC विद दिस डीजल इंजन इज अ वेरी गुड लग्जरी ऑफरिंग और ये अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग SUV है। फॉर मर्सिडीज बेंज इट इज ऑल्सो द बेस्ट सेलिंग SUV क्योंकि साइज इसका परफेक्ट है, लग्जरी एलिमेंट भी आपको मिलता है, फीचर्स मिलता है, सब कुछ एंड एट अ वेरी गुड प्राइस। तो काफ़ी लग्जरी SUV बायर्स के लिए दिस प्राइस एंड दिस सेगमेंट इज द रीजन वाई इट इज सो पॉपुलर। तो ओवरऑल डीजल GLC गेट्स अ थम्स अप।